नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। मिर्जापुर विंध्याचल के महाराज आचार्य जी ने बताया कि भक्तों के सारे पापों को जला देने वाली और आदि शक्ति माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की 8वीं स्वरूप महागौरी की पूजा नवरात्र के अष्टमी तिथि को किया जाता है। पौराणिक कथानुसार माँ महागौरी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनके शरीर का रंग एकदम काला पड़ गया था। तब माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं शिव जी ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया, जिससे इनका वरण विद्युत प्रवाह की तरह कांतिमान और गौर वर्ण का हो गया और उसी कारणवश माता का नाम महागौरी पड़ा। इस दिन माता की पूजा में कन्या पूजन और उनके सम्मान का विधान है। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। महाराज जी, क्या नाम है आपका? ये पंडित दिनेश महाराज। जी बताइए कि आज नवरात्र का 8वां दिन है, 8वां दिन किस रूप में माँ की पूजा की जाती है, क्या विधि है पूजा की? देखिए, आज जो पूजन का विधान है, जो भक्त जन माँ के नवरात्रि में प्रथम दिन और अंतिम दिन व्रत रहते हैं, वो भी आज अष्टमी के दिन व्रत करेंगे। और साथ में आज माँ गौरी का दिन है, आज दिन माँ का महागौरी के रूप में पूजन किया जाता है। माँ गौरी पार्वती जी का ही स्वरूप है। माता पार्वती जी 8 वर्ष की अवस्था में तपस्या कर रही थी, तभी सुने महागौरी के रूप में लोग जानते हैं। महागौरी का पूजन का जो विधान है, आज दिन भक्तों को माँ का महागौरी के रूप में ध्यान करना चाहिए और माँ से अपनी मन इच्छा कहनी चाहिए। माँ कृपा से इच्छाएं पूर्ण होती हैं। माँ को आज दिन भोग में छेने का मिठाई और फल में अंगूर का भोग लगाना चाहिए। भक्तजन क्या करें जैसे कल्याण हो माँ के दरबार में? आज दिन माँ की विशेष कृपा प्राप्ति है तो भक्तजन दीप का दान करें एवं माँ के चरणों में, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बाधाएं हैं, ऐसे भक्तजन माँ के चरणों में हरिद्रा और कुमकुम और साथ में इत्र माँ के चरणों में अर्पण करें। हर व्यक्ति के घर के आसपास शिव जी का मंदिर होता है और वहाँ पार्वती जी बैठी रहती हैं। अर्थात जो आज का दिन है, माँ पार्वती जी के पूजन का विशेष फल है। कुछ भक्तजन जिन्हें मिठाई मिलने में समस्या हो है, वो माँ को चीनी का भी भोग लगा सकते हैं और फल के रूप में किशमिश का भी भोग लगा सकते हैं। उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो जगदम्बा कृपा से अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हो, और माँ के इस मंत्र का सर्व मंगल मंगल ले शिवे सर्वार्थ साधके शरण त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करें, माँ गौरी के शरण में जाएं। निःसंदेह जिनको पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र होगा, जिन्हें विवाह में समस्या या किसी प्रकार का बाधा आ रहा है वो बाधा दूर होगा, उनका विवाह अच्छे ढंग से संपन्न होगा। मैं सासाराम जिला रोहतास सासाराम बिहार से हूँ। मैं माता के दर्शन के लिए लगभग 40-42 साल से आ रहा हूँ। इस बार जो व्यवस्था हमने देखा पिछले विगत वर्षों से बहुत सुंदर और बहुत अच्छा व्यवस्था देखा, भीड़ रहते हुए भी अच्छा ढंग से दर्शन हुआ। सब व्यवस्था गंगा जी से लेके गंगा जी के तट पर घाट से लेके हर जगह व्यवस्था बहुत सुदृढ़ रहा। माँ का बहुत कृपा बरसाती है, इसलिए हम लोग को माँ के पास आ जाते हैं। माँ जो भी माँ के शरण में आता है उसका मनसा पूर्ण हो जाता है। प्रेम से बोलिए माँ विंध्यवासिनी माई की जय।